नमस्कार, आप सब लोगों का वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर कपिल जैन, शांति देवी जी इंस्टीट्यूट हिसार से आप लोगों को काले पीलिया हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा। हेपेटाइटिस बी और सी, जिनको आम भाषा में काला पीलिया कहा जाता है, ये काफ़ी सीरियस और संक्रमित बीमारियाँ हैं जो हमारे इस इलाके में, पर्टिकुलरली हरियाणा और पंजाब के इलाके में बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं और कॉमन है। ये दोनों बीमारियाँ एक ही तरह के तरीकों से फैलती हैं, जो कि ब्लड और हमारे जो खून के और टिश्यूज़ होते हैं या कोई फ्लूइड्स होते हैं, उनके थ्रू ये फैलते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन या जो कॉमन तरीके हैं वो हैं कि यौन संबंध से ये फैलता है और खून के कॉन्टैक्ट से ये फैलता है। खून का कांटेक्ट प्रॉबेबली हमारे इस इलाके में सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है। इसमें कुछ साल पहले तक ज़्यादा कॉमन कारण होता था कि या तो जो सिरिंजेस और नीडल्स हैं वो दोबारा यूज़ करके दोबारा किसी दूसरे मरीज को लगा जाएं वो, या अगर किसी को ब्लड चढ़ाया जाए या ब्लड के प्रोडक्ट चढ़े जाएं जो साफ ना हो, वो कारण होते थे। बट आज के समय में जनरली नीडल्स और सिरिंजेस को दोबारा रीयूज़ बहुत कम जगह पर हो रहा है, और हमारा मानना ये है कि आज के दिन में बहुत ज़्यादा कॉमन कारण या तो जो लोग अपना रेज़र और दाढ़ी वगैरह कहीं लोकल जगह से बनवाते हैं, या स्पेशली जो डेंटल का, दांतों का काम करवाते हैं, उससे ये बीमारियां प्रॉबेबली ज़्यादा फैल रही हैं। क्योंकि जहां पे भी दांतों का काम करवाया जाता है वहां पे जनरली इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो रीयूज़ होते हैं बिना स्टरलाइज किए, और जनरली डेंटल डिपार्टमेंट्स में कोई भी काले पीलिए या इन सब चीज़ों के बारे में कोई डॉक्टर मरीज से पूछता नहीं है कि आपको पहले कभी पीलिया हुआ था, या इवन अगर आप नॉर्मल आदमी से भी पूछें तो हार्डली आपको कोई लोग मिलेंगे जिनको एक्चुअली में कभी पीलिया होगा। और मतलब सबसे ख़राब चीज़ इन बीमारियों के बारे में अगर मैं कहूँ तो ये बीमारियाँ जनरली शुरू के 10-20 साल तक बिल्कुल साइलेंट रहती हैं। साइलेंट माने कि इनके कोई लक्षण नहीं होते, इस वजह से मरीज़ को बहुत लेट टाइम तक इस बीमारी का पता नहीं चलता और वो बाकी लोगों के लिए फैलाने का एक सोर्स बनता है, जिससे कि वो मरीज़ दूसरे लोगों को ये फैला सकता है। हमारे को जैसे बहुत सारे मरीज आते हैं, जैसे वो ब्लड बैंक में किसी को खून देने के लिए गए और वहाँ पे उसका ब्लड टेस्ट हुआ, उस टाइम पे मरीज़ को पता चलता है कि उसको काला पीलिया है। और हमारी ब्लड बैंक वाले लोगों से भी बहुत ये निमंत्रण है, या कि हम उनको रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जो भी मरीज़ जिसका पता चलता है कि उसको पॉजिटिव या पॉजिटिव है, उसको बताएं कि आपको ये बीमारी है, ताकि वो प्रॉपर डॉक्टर से मिल सके। बहुत टाइम क्या होता है कि वो सिर्फ ब्लड देखते हैं, वो पॉजिटिव है तो वो ब्लड को फेंक देते हैं, बट मरीज़ को वापस फ़ोन करके बताया नहीं जाता कि आपको ये बीमारी है, ताकि वो दोबारा ब्लड ना दे और अपना इलाज करा सके। दूसरी चीज़ ये है कि हेपेटाइटिस बी और सी में बहुत सारी समानताएं हैं, बट वो कुछ हद तक एक दूसरे से अलग भी हैं। अलग इस चीज़ में है कि जो हेपेटाइटिस बी है वो दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब कि वो जो एकदम से प्रेजेंट करता है, क्रॉनिक मतलब जो 6 महीने से पुराना हो जाता है। हेपेटाइटिस सी में एक्यूट स्टेज नहीं होती। एक्यूट स्टेज नहीं होती मतलब कि जनरली कभी भी आंखों में पीलिया नहीं देखा जाता, वो हमेशा क्रॉनिक स्टेज में जब वो काफ़ी लंबा हो जाता है तभी देखा जाता है। हेपेटाइटिस बी में जब एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, जिसको जनरली माना जाता है कि ये साधारण पीलिया हुआ है, उसमें वो साधारण पीलिया की तरह आंखों में पीलापन आता है, भूख कम हो जाती है, उल्टी, पेट में दर्द होता है। ऐसे मरीजों में 70-80% मरीज ठीक हो जाते हैं और उनका काला पीलिया कंप्लीट तरह से ख़त्म हो जाता है, बट 20% लोगों में ये जानलेवा हो जाता है और इसका मरीज नहीं बच पाता। बट हेपेटाइटिस सी में जब ये कीटाणु शरीर में जाता है तो इसके जनरली कोई लक्षण नहीं होते, और लक्षण अगर होते भी हैं तो नॉर्मल खांसी जुखाम जैसे लक्षण आते हैं और वो मरीज को कभी पता नहीं चलते, और वो जब लेट स्टेज पे जब लिवर में नुकसान बढ़ जाता है उसी स्टेज पे मरीज को ये पता चलता है। हम जो मरीज आमतौर पर देखते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जिनको रूटीन टेस्ट की वजह से ये हेपेटाइटिस बी और सी का पता चलता है, और दूसरे वो जिनको एक्चुअल में लिवर की डिजीज़, बीमारी काफ़ी सीरियस स्टेज पे जा चुकी होती है।
जो मरीज रूटीन टेस्ट पे पकड़े जाते हैं उसमें एक वो होते हैं जिनको कुछ हल्के फुल्के लक्षण होते हैं। वो लक्षण कॉमनली जो देखे जाते हैं वो ये होता है कि मरीज को थकान महसूस होना, भूख ना लगना, कमजोरी होना, और एक बहुत कॉमन जो लक्षण है वो ये है कि मरीज की टांगों में दर्द रहता है। मरीज आमतौर पे आके आपको कहेगा कि मेरी पिंडलियां दुखती हैं, मैं थोड़ा सा भी चल लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, भूख नहीं लगती या मेरा वजन गिर रहा है, तो ये एक और लक्षण है। दूसरे वो होते हैं जिनके आस पड़ोस या रिश्तेदारी में किसी को काला पीलिया है और वो अपना टेस्ट करवाने गया और वहां पे उसको पता चल गया। जो मरीज एक्चुअल लिवर की बीमारी लेके आते हैं वो आमतौर पे उस स्टेज पे आते हैं जिस स्टेज पे उनकी बीमारी काफी आगे जा चुकी होती है। जब लिवर की बीमारी लेट स्टेजेस में जाती है उस स्टेज पे जो लक्षण कॉमनली देखे जाते हैं वो ये होते हैं, या तो मरीज के पेट में पानी आने लगता है, पैरों पे सूजन आने लगती है, या उसकी आंखों में एक्चुअल में काला पीलिया पीलापन आने लग जाता है, उसको नाक से या उल्टी में खून आता है, और आखिरी की स्टेजेस में उसको बेहोशी आने लगती है या जिसको कहते हैं कि दिमाग पे जोर आ गया या गफलत होने लगती है, ऐसे लक्षण देखे जाते हैं। इस स्टेज पे जनरली इलाज बहुत मुश्किल होता है और इलाज से बहुत ज़्यादा सफलता भी नहीं मिलती। मोस्टली मरीज कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल ठीक ठाक निकालते हैं, बट लंबे टाइम का ठोस इलाज ऐसे मरीजों में हम नहीं दे पाते। तो इसलिए हमारे आस पड़ोस के इलाके में इन बीमारियों का इतना ज़्यादा प्रेवलेंस है कि हमारा तो ये मानना है कि जिन लोगों को कोई मामूली से भी लक्षण महसूस होते हैं वो अपने लिवर के रूटीन टेस्ट और एक हेपेटाइटिस बी और सी का जो साधारण टेस्ट होता है जिसमें आपको एक दो घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है वो करवाना चाहिए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलके इसका ठोस तरीके से इलाज कराना चाहिए। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी और सी दोनों माँ से, गर्भवती माँ से उनके उसके बच्चे को हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी ज़्यादा माँ से बच्चे को फैलता है, सी कम चांस होता है। जिन गर्भवती औरतों को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव निकलता है, जो कि हर गर्भवती लेडी का जब वो पेट में बच्चा आ जाता है उसका बी और सी और एचआईवी तीनों के लिए टेस्ट होना चाहिए। जिनके अंदर बी पॉजिटिव आता है उन माओं का हम जनरली हेपेटाइटिस बी कीटाणु का जो मात्रा है खून में, जिसको हम वायरल लोड कहते हैं, वो करवाया जाता है, और जिनके अंदर ये लोड एक वैल्यू से ज़्यादा होता है उन लेडीज़ को हम आखिरी के 3 महीनों में एक दवाई देते हैं या बच्चे को पैदा होते ही एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कि वो कीटाणु बच्चे में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से किया जाए तो 99% बच्चों में ये बीमारी फैलने से रोकी जा सकती है। जिन औरतों को हेपेटाइटिस सी होता है उनके अंदर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या कोई स्पेशल इलाज या प्रिकॉशन एडवाइस नहीं करना चाहिए और ना ही किसी गर्भवती को हेपेटाइटिस सी के आधार पे ये बोलना चाहिए कि आप बच्चा गिरवा लीजिए, क्योंकि हेपेटाइटिस सी माँ से बच्चे में जाने का चांस सिर्फ 1 में 1 लाख या उससे भी ज़्यादा में होता है। तो इसलिए इसको हम ऑलमोस्ट ना के बराबर मान के हर किसी को यही एडवाइस करते हैं कि आप अपना प्रेगनेंसी या जो गर्भवती टाइम है वो नॉर्मल तरीके से करिए और लेडी डॉक्टर को दिखाते रहिए। आस पड़ोस के इलाकों में एक ये भी मानना है कि हेपेटाइटिस बी और सी की औरतों का जनरली डिलीवरी नहीं करते, या उनका ये मानना है कि किसी को फैल जाएगा, हमें हो जाएगा, तो अगर प्रॉपर प्रिकॉशन से डिलीवरी की जाए या इवन जो सिजेरियन सेक्शन जो ऑपरेशन से बच्चा किया जाता है अगर ऐसा किया जाए तो ये बीमारी किसी को नहीं फैलती है। बट अगर फिर भी किसी को शंका हो तो अच्छे शहरों में, हिसार में, बड़े हॉस्पिटल्स में इन लोगों का रूटीन में डिलीवरी की जाती है, तो इसके लिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट जिन औरतों को हेपेटाइटिस सी पता चल जाता है उनको डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, दूध पिलाने से ये बीमारी नहीं फैलती, और जब वो दूध पिलाना छोड़ देते हैं उसके बाद उनको अपना इलाज ज़रूर करवाना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में वो आगे बीमारी ना फैले, और अगर उनको दोबारा गर्भवती होना है उससे पहले पहले उनका इलाज हो जाए। अगर हम इलाज की तरफ आएँ तो हेपेटाइटिस बी और सी के इलाज में बहुत सारा फ़र्क है। पहले हेपेटाइटिस बी में आज से 1-2 साल पहले तक कॉमनली इंजेक्शन लगाए जाते थे, बट वो टाइम अब चला गया है क्योंकि दवाइयाँ जो गोलियाँ अब आती हैं वो बहुत सेफ़ हैं और बहुत असरकारक हैं। जनरली अगर मरीज दवाई लेता रहे और दवाई छोड़े ना, क्योंकि इस बीमारी में अगर एक बार हम मरीज को दवाई पे डालते हैं हेपेटाइटिस बी पे
तो वो दवाई जनरली उसको आम तौर पे सारी उम्र खानी होती है, तो इसलिए मरीज को रेगुलर तरीके से डॉक्टर को दिखाना और दवाई ना छोड़ना, ये दो चीज़ें अगर मरीज करता रहे तो जनरली हेपेटाइटिस बी से मरीज बिल्कुल ठीक ठाक चल सकता है। अगर हम हेपेटाइटिस सी पे आएँ तो हेपेटाइटिस सी का इलाज थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा सा लंबा भी है। इसके अंदर आज के दिन में मेडिकल साइंस में सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है जिसमें हम इंजेक्शन, जिसको इंटरफेरॉन कहते हैं, और एक वो दवाई उसके साथ रिबावरिन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का ट्रीटमेंट करते हैं। और इसका ट्रीटमेंट वायरस के टाइप पे डिपेंड करता है। ये वायरस 1 से 6 टाइप का होता है। हमारे इस इलाके में जनरली 3 टाइप ज़्यादा कॉमन है, 1, 3 और 4। 1 और 4 में जो ट्रीटमेंट है वो जनरली लंबा होता है, वो जनरली 48 हफ्ते का किया जाता है। 2 और 3 में ट्रीटमेंट जनरली 24 हफ्ते का किया जाता है। ट्रीटमेंट में इसमें हर हफ्ते इंजेक्शन लगता है जो कि पेट में या थाई पे पैर में लगाया जाता है, और साथ में कैप्सूल चलते हैं। इस इंजेक्शन से मरीज को थोड़ी बहुत कठिनाई आती है जिसमें कि हल्का फुल्का बुखार, कमजोरी, थोड़ा बहुत नींद कम होना, भूख कम होना, ये होते हैं। बट आमतौर पे ज़्यादातर 80 से 90% मरीज ये इलाज पूरा कर पाते हैं, और 80 से 90% लोगों में ये बीमारी पूर्ण रूप से ख़त्म की जा सकती है। बहुत लोगों का ये मानना है कि ये बीमारी कंप्लीटली ख़त्म नहीं होती, बट हेपेटाइटिस सी को अगर प्रॉपरली ट्रीट किया जाए तो काफ़ी हद तक 80 से 90% लोगों में ये प्रॉपर ट्रीटमेंट से ख़त्म हो जाती है, पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाती है, ये बॉडी से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जिन भी लोगों को ये बीमारी का पता चलता है उनको जल्द से जल्द प्रॉपर डॉक्टर को दिखा के अपने टेस्ट करा के इलाज करना चाहिए। उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी ये बीमारी है और उन लोगों का काफ़ी भय और डर होता है कि ये हमसे हमारे परिवार लोगों को ना फैल जाए। जैसे आप मेरी उम्र के हैं या 40-50 उम्र के भी हैं, तो आप घर में अपना रहेंगे, आपके साथ परिवार के और लोग हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, सब होते हैं, तो सबकी ये शंका रहती है कि कहीं मेरे से किसी और को ना हो जाए। तो इसके लिए बहुत कुछ कुछ छोटे छोटे ही प्रिकॉशंस हैं। उसमें ये है कि आप अपना तौलिया, रेजर, टूथब्रश ये अलग रखें, और अगर आपको कोई भी छोटी मोटी चोट लगती है, कट है कहीं स्किन पे कहीं भी है, तो उसको कवर करके रखिए ताकि वहाँ से ब्लड या कोई स्किन का कटा हुआ एरिया किसी और के कांटेक्ट में ना आए। अदरवाइज आम तौर पे बच्चों के साथ खेलने से या एक साथ बैठ के खाने से या प्लेट और कटोरी को एक दूसरे का यूज़ करने से, खाने की चीज़ों से ये बीमारियाँ नहीं फैलती। तो इस तरह से ये करना कि मरीज़ को बिल्कुल अलग रखा जाए, कि वो अलग एक कमरे में रहेगा, उसका खाना अलग बनेगा, ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इवन अगर मरीज इलाज नहीं भी करा रहा, तब भी उसका नॉर्मल तरीके से हर तरह से उसका सामान्य जीवन चलना चाहिए, उसको कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत सारे मरीज आइसोलेट हो जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमें ये बीमारी हो गई, अब हम इसका क्या करें। तो अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डॉक्टर से मिल के इसका इलाज किया जाए, उससे पूछा जाए कि ये बीमारी क्या है, तो मरीज अपना जीवन नॉर्मल तरीके से व्यतीत कर सकता है और उसको इस बीमारी का ठोस रूप से इलाज भी किया जा सकता है। चंद बातें वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन एक तरीका है जो टेक्निकली इसका मतलब है कि आपको किसी भी रूट से, चाहे इंजेक्शन से चाहे मुंह से, ऐसी दवाई दी जाए जिससे कि वो बीमारी आपको ना हो। हेपेटाइटिस की तरफ अगर हम जाएं तो हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, पर हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीनेशन नहीं है। मतलब हेपेटाइटिस बी की अगर आपको वैक्सीनेशन लग गई है तो 99.99% चांस है कि ये बीमारी, अगर आप किसी हेपेटाइटिस बी के मरीज के कांटेक्ट में आते भी हैं, तो ये बीमारी आपको नहीं फैलेगी। तो बहुत सारे देशों में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब कि वहाँ पे पैदा होने के बाद हर किसी को लगती है। हमारे देश में भी ये यूनिवर्सल है, बट अवेयरनेस कम होने की वजह से बहुत सारे लोग इसका इंजेक्शन पैदा होने पे बच्चे को नहीं लगवाते, या उनको नॉलेज ही नहीं होती, या डॉक्टर उनको ठीक तरह से नहीं बताते कि आपको वैक्सीनेशन करानी चाहिए। बट हर किसी को, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, किसी भी उम्र का है, उसको आज के दिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे अपना हेपेटाइटिस बी और सी चेक करवाना चाहिए। अगर उसका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव है और उसने कभी वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, तो उसको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। इसकी वैक्सीनेशन बहुत सस्ती है, इसमें 3 इंजेक्शन का कोर्स होता है,
जो एक बार, फिर एक महीने बाद और फिर 6 महीने बाद इंजेक्शन आपके कंधे पे लगता है, बच्चों में जनरली पैर पे लगता है, और ये इंजेक्शन लगने के बाद हेपेटाइटिस बी फैलने का चांस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। हेपेटाइटिस सी के लिए हमारे पास आज के दिन में कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, इसका सिर्फ प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन मतलब जो मैंने आपको तरीके बताए जिससे कि ये बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है, वो तरीके अपनाने चाहिए। और हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन हर किसी को ज़रूर करानी चाहिए, स्पेशली उन घरों में जिन घरों में किसी मरीज को, किसी को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी है, क्योंकि उन घरों में उस बंदे से दूसरे लोग आदमी को फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उन घरों में तो हेपेटाइटिस बी और सी की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और फिर वैक्सीनेशन होनी चाहिए। आप सब लोग अपनी बी और सी की स्क्रीनिंग करवाएं, और जिन लोगों को ये बीमारी है या जो लोग लिवर की बीमारियों से संक्रमित हैं और उनको अभी तक ये नहीं पता कि उनको ये बीमारी क्यों है, वो अपना चेकअप कराएं, और जो लोग नेगेटिव हैं वो अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। धन्यवाद।